तीसरे प्रदेश स्तरीय मास्टर गेम्स 2019 प्रतियोगिता का आयोजन आगामी 9 नवंबर से 11 नवंबर तक बिलासपुर के लुणु मैदान में किया जाएगा। इन खेलों के दौरान प्रदेश भर के 1000 से अधिक खिलाड़ी विभिन्न खेलों में भाग लेंगे, जिसमें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी हिस्सा लेने बिलासपुर पहुंचेंगे। ये जानकारी देते हुए एसोसिएशन के राज्य महासचिव तेजस्वी शर्मा ने बताया कि मास्टर गेम्स में विभिन्न प्रकार की 12 प्रतियोगिताएं शामिल होंगी। तीसरी प्रदेश स्तरीय मास्टर गेम्स 2019 प्रतियोगिता का आगाज 9 नवंबर से 11 नवंबर तक बिलासपुर के लुणु मैदान में किया जाएगा। इन खेलों के दौरान प्रदेश भर के 1000 से अधिक खिलाड़ी विभिन्न खेलों में भाग लेंगे, जिनमें कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी पहुंचेंगे। ये जानकारी देते हुए एसोसिएशन के राज्य महासचिव तेजस्वी शर्मा ने बताया कि मास्टर गेम्स में विभिन्न प्रकार की 12 खेल प्रतियोगिताएं शामिल की गई हैं, जिसमें एथलेटिक्स, हॉकी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, वेटलिफ्टिंग, स्विमिंग, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, शूटिंग और बैडमिंटन शामिल हैं। सभी प्रतियोगिताएं 30 से 60 वर्ष तक के ग्रुप्स में करवाई जाएंगी। इसके अलावा 60 वर्ष से ऊपर की आयु के खिलाड़ी भी इसमें भाग ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस बार की एथलेटिक्स प्रतियोगिता लुणु मैदान में बने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एथलेटिक्स ट्रैक पर पहली बार आयोजित होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में होने वाले राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में वही खिलाड़ी भाग ले पाएंगे जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में प्रदेश के सभी जिला के प्रधानों व सचिव सहित विभिन्न खेलों के कन्वीनरों ने भाग लिया, तो साथ ही बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव विनोद कुमार ने की। हिमाचल प्रदेश राज्य में तीसरी राज्य स्तरीय मास्टर्स गेम्स एसोसिएशन के तत्वाधान से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता बिलासपुर के कहलूर स्टेडियम में 9 से 11 नवंबर 2019 को होने निश्चित हुई है। आज की बैठक में ये फैसला लिया गया है राज्य कार्यकारिणी द्वारा कि इस प्रतियोगिता के अंदर 12 विधाओं के अंदर विभिन्न जिलों से करीब 1000 से ज़्यादा खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे, जिसमें एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, स्विमिंग, भारोत्तोलन और उसके अलावा हमारे पास जितनी भी शूटिंग और ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें विभिन्न आयु वर्गों में सबसे कम आयु वर्ग 30 वर्ष का होगा और अधिकतम आयु वर्ग का कोई हमारे पास प्रावधान नहीं है। कोई भी किसी भी उम्र का खिलाड़ी जो 30 वर्ष पूरा कर चुका है वो इन प्रतियोगिताओं में अपनी विधाओं में भाग ले सकता है। तो आप सभी से ये बिलासपुर के लिए गौरव का विषय है कि हमारे बिलासपुर ज़िला के कहलूर खेल परिसर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो एथलेटिक ट्रैक बना है उसके ऊपर ये स्पर्धाएँ एथलेटिक्स की होंगी। इसके अलावा इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन और बाकी के जितने भी ग्राउंड्स हैं उनमें अलग अलग प्रतिस्पर्धाएँ यहाँ पर आयोजित की जाएंगी। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चले छोटे ब्रेक का ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद।